नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में अपने आप को दुनिया की 5 सबसे बड़ी शक्तियों के रूप में प्रदर्शित किया है। दुनिया के लगभग हर बड़े और छोटे देश के साथ हमने अपने रिश्तों को मजबूत किया है, जो हर क्षेत्र में हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। और भारत की इसी शक्ति से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वो बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है, इसलिए कि एक तरफ उनके देश में लोग भुखमरी से मर रहे हैं और दूसरी ओर भारत सफलता और शक्ति के नए पहाड़ों की चढ़ाई कर रहा है। पाकिस्तान अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो युद्ध से डरता है, लेकिन फिर भी उसे कश्मीर पर बयानबाजी करनी ही है। और अब इसी के चलते कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल काकर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए भारत के खिलाफ खूब जहर उगला। काकर ने कहा कि कश्मीर का मतलब ये नहीं है कि हम इस पर युद्ध चाहते हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर समस्या का शांतिपूर्ण हल होना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर दक्षिण एशिया में शांति का एक मौका अस्वीकार कर दिया जाता है तो ये न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय होगा। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कभी मित्रतापूर्ण नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अब इसके लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है। काकर से पहले पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि वो भारत के साथ वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। लेकिन शहबाज शरीफ ने भारत को परमाणु हथियारों की धौंस दिखाई थी। शरीफ ने कहा था कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, ये तय करना जरूरी है। काकर की ही तरह शरीफ ने कहा था कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के इतिहास और सन 1947 में उनकी आजादी के बाद से 3 युद्धों के बावजूद पीएम मूल्यवान रिश्तों को तरजीह देना चाहते हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।